Why don't you go upstairs? How long since you saw him last? 12 years. I didn't want to see his... From what? Emily. अस्सलाम वालेकुम, चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज आपसे मुखातिब है। आज जो शख्सियत मेरे पास हैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो पहले तो ये बता दूं कि मीडिया जो हमारा एक सेगमेंट है चैनल M5 का, उसमें मैंने ड्रामे को बहुत बचा के रखा हुआ था कि कोई ड्रामा आर्टिस्ट मैं वही लाना चाहती थी जो मैं समझती थी, और आज अल्लाह ने मेरा ये ख्वाब तो कम अज़ कम पूरा कर दिया। हमारे पास एंकर्स आ गए, महताब आई, खुशबख्त आई, अभी सलमा बेग बाकी हैं, अक्सी मुफ्ती हमारे साथ थे, बीमार पड़ गए इस्लामाबाद में, वरना मैं उनको कर कर आती। एंकर्स में न्यूज़ कास्टर्स भी बेशतर आ चुके हैं PTV के, और आपको मालूम होगा हम PTV के रिवाइवल पर काम कर रहे हैं। तो आज जो है मेरे पास शख्सियत, वो ऐसी सहरज़दा शख्सियत है, यानी एक्टिंग जो है ना वो उनसे सीखती है कि मुझे ऐसे अदा करो, मेरे अल्फाज की अदायगी, मेरा एक एक जो एक्ट है वो हक अदा हो जाए। और पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे के पहले आर्टिस्ट जिनको लोगों ने देखा, पहले लोग फिल्में देखते थे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर, जब उन्होंने एक छोटी स्क्रीन पर ड्रामा देखा तो उसमें एक पहला आर्टिस्ट, आप समझ गए, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अगर नई नस्ल के लिए बता रही हूँ, जो लोग इनके चाहने वाले हैं, जो इनके देखने वाले हैं, ये तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जो मेरे सामने कैमरामैन साहब बैठे हैं ना, मेरे इस नस्ल के लिए बता रही हूँ। मोहम्मद कवी खान, इतना बड़ा नाम है और इतना बड़ा काम है इनका, इतना फैला हुआ काम है कि ये नहीं समझ में आता कहाँ से शुरू करूँ और उसे कहाँ, क्योंकि अभी ख़त्म तो ये हो ही नहीं सकता, चूँकि ये तो आखिरी सांस तक अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, मज़ीद वो ख्वाब इनके पूरे करे जो इन्होंने भी देखे हैं और काम के हवाले से मैंने भी देखे हैं। अगर ज़िंदगी रही तो इनके लिए एक रोल मैंने भी सोचा हुआ है, और मैं उस पर, कोई सोच सकता है कि ऐसा रोल जिस पर मैं 29 साल से रिसर्च कर रही हूँ, और मैंने कई अपने प्रोग्राम्स में बताया जिनका नाम मैंने मास्टर साहब रखा है, वो एक मार्फत रखने वाले आरिफ हैं। सूफी वूफी को मैं नहीं जानती, सूफी क्या होता है, ये एक फैशन ज़्यादा लफ्ज़ है, लोगों को इसके मायने भी नहीं पता कि सूफी कौन होता है। सूफी तो रहबानियत की ये शक्ल इन्होंने बिगाड़ दी, और इस्लाम में रहबानियत की कोई गुंजाइश नहीं है। सूफी सूफ से ऊन से बने हुए कंबल को लपेट के एक आदमी बैठ गया दरख्त के नीचे, ना 6-6 महीने तक नहा रहा है, ना शादी कर रहा है, ना नौकरी कर रहा है, ना बच्चे हैं, ना कोई आजमाइश है, हर चीज़ से वो भागा हुआ है, बस अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये इस्लाम नहीं, इस्लाम सिर्फ टोटल आजमाइश और मुकाबले का नाम है, चैलेंजेस को फेस करने का नाम है। वही एक शख्सियत है, और उसके लिए जो मेरे पास हस्ती है उन्हीं के लिए सोच के रखा हुआ था हमेशा से कि उन्हीं से कराऊंगी ये रोल अगर ज़िंदगी रही और मुझे वो वसाइल मुहैया हो गए। कवी खान साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ज़्यादा तमीद इसलिए बांधी है सर कि आपकी तो जितनी तमीद ही बांधते चले जाओ आपका तारुफ मुकम्मल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। पहला ड्रामा नजराना PTV का, जी PTV का, नजमा फारूकी राइटर, फजल कमाल साहब डायरेक्टर। मेरा वो मैं तो सर असर डॉक्टरेट का थीसिस ही PTV ड्रामा एंड सोशल चेंज है, सोसाइटी ने पर क्या असरात मुरतब किए थे पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे ने। तो लाइव होता था, लाइव होता था, गलती की गुंजाइश नहीं थी, जो चला गया वो चला गया बस। तो मैंने खबरें पढ़ी हैं सर फॉर 11 ईयर्स, तो आई नो लाइव जो गलती हो गई सो हो गई, उस पर सज़ा ज़रूर मिलती थी, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं वहाँ किया जा सकता जैसे आप ड्रामे में दुरुस्त नहीं। फिर VTR का ज़माना आ गया, रिकॉर्डिंग होती थी आपके। आपसे अब मैं बात शुरू करता हूँ सर, अब आप बोलेंगे और मैं और मेरे चैनल M5 के ऑडियंस सुनेंगे, और आज आपने सारी दिल की बातें करनी हैं, तजुर्बे की तो होंगी ही होंगी, आपसे बहुत लोगों ने इंटरव्यूज, सारी ज़िंदगी आपके इंटरव्यूज़ होते रहे होंगे प्रिंट मीडिया में भी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। दिल की बात कहाँ कहाँ, जो दिल चाहता है कि कोई पूछे और मैं बताऊँ। असल में ये कभी मेरे दिल ने नहीं चाहा।
जा के कोई पूछे। अच्छा मैं बताऊं। अच्छा मैं सामने जो कुछ हो रहा है हाँ। और जो कुछ मैं देखता हूँ, जो मैंने देखा बचपन से चार साल से देखा, बल्कि तीन साल का वो और अब तक, मुझे मेरा ख्याल है कि 80-85% याद है माशाल्लाह। यानी एक बच्चा जो अब मैं 79 का हूँ, अच्छा माशाल्लाह, शायद 80 का भी होगा, मुझे नहीं पता कि खवातीन खवातीन को माफ किया जा सकता है, डंडी मारी जा सकती है 10-12 साल की। हमारे जमाने में तो यही कहा जाता था, अब ये स्कूल जाएगा, अब ये होगा, अरे एक साल कम कर दो, अरे एक साल ऐसे कर दो, पता नहीं क्या, लेकिन इतना याद है कि बल्कि एक जमाने में तो बढ़ा के भी लिखवाते थे, वो स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते थे, अचानक से आपको 5th क्लास में दाखिल करा दिया जाता, आपकी उम्र कुछ भी ये जो लेकिन ये चूंकि लेकिन आपने तो इतने जबरदस्त कॉलेज से पढ़ा हुआ है, अंग्रेज का बनाया हुआ कॉलेज एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, जी जी जी, और आपके तो प्रोफेसर्स भी गोरे होंगे, लेक्चरर्स भी आपके, ऑलरिक मिस्टर एडमन और ये लोग थे प्रिंसिपल थे, और उस जमाने में पेशावर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मजहर अली खान, क्या बात है, मिस हॉटल, बल्कि मैं गया था बठिंडा लाइन कहते ना उसको जमाने में, बठिंडा स्कूल थे वो वाया बठिंडा, तख्ती से लेकिन सर वो क्या जबरदस्त चीज थी। मैं तो देहात की रहने वाली हूँ, पेंडू हूँ, मेरे गांव में जो तख्तियाँ लिखवाई जाती हैं उस पर बच्चे मेहनत, और उससे राइटिंग आपकी वो कलम तराशा जाता था, वो जो लकड़ी का वो सरकंडा कहते थे उसको, कलम दवा मुल्तानी मट्टी, कच्ची मुल्तानी मट्टी, सारा कुछ के बगैर, खैर वहां से निकल, जो जमाना था, जमाना शनासी और जो कुछ आप देख रहे हैं उसको महसूस करना, वो शायद बहुत जल्दी सरायत कर गया। तो वो जो बचपन में खिलन रहा बच्चा और कह लगा रहा है, भाग रहा है, शरारते कर रहा है, किसी कोई चीज छीन ली, जाके किसी कोई चीज छीन ली, मिठाइयाँ और ये और खेल, उससे जरा महरूमियत हुई। मतलब आप बचपन से सीधे बुढ़ापे या जवानी में आ गए, आपने बचपन नहीं, बचपन एंजॉय नहीं किया ये कहते हैं। जी हाँ, एंजॉय तो खैर कुछ भी नहीं किया, लेकिन एंजॉय का ये मतलब नहीं होता, नहीं, 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 बचपन की बात ही और होती है बिल्कुल। हाँ लेकिन उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दो, हाँ बिल्कुल, ये मैं ऑब्जर्व करता रहा, ठीक है, कि इस शख्स ने ऐसा क्यों कहा, हसास बहुत, और उसने ऐसा क्यों कहा, और इसकी क्या वजह है, उसकी क्या वजह है, ये सारी कि ये मुझ पे हंस क्यों रहे हैं, कौन सी ऐसी कमी है मुझ में, मैंने अच्छा, क्या कर दिया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आपके ड्रामे देखती हूँ, आप में वो कॉम्प्लेक्स कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं किया, बल्कि आप हैरान होंगी, मेरे वालिद साहब जो थे वो पुलिस में थे, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा ठीक है, और वो रिटायर्ड हुए थे 35 में, 1935 में, जी, तो उस वक्त मैं उनका वो क्या कहते हैं पेट पुछनिया आखिरी जो आखिरी औलाद जी, हाँ, तो मैं कुर्चन, हाँ दूसरे, मैं मेरी वालदा जो थी, हम मैं और मेरे भाई जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे लाहौर, तो और दो बहन, अच्छा, तो और फैमिली में हमारी बहुत दूसरे तबके, अच्छा यानी आप यूसुफ जई हैं, गरीब से गरीब तर, हाँ, अमीर से अमीर तर, हाँ, और ये और गाड़ियाँ और बागात और फरमान, इस सारी चीज़ें थी। तो मैं ज़रा अब्बा जो थे वो ज़ाहिर है, क्योंकि अब्बा की जो पेंशन थी वो 22.5 रुपये मैंने यहाँ खाए, मगर 22.5 रुपये, मगर सुनिए सर, जो मेरे पास हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कि 22.5 रुपये का मतलब फिर तो आप समझिए ना, किचन कितना अच्छा चलता था और कनात, यही मैं अर्ज कर, 1 रुपये का 5 किलो आटा शायद, हाँ, लेकिन 61 में, हाँ जी, अगर आपको 22 रुपये मिल रहे हैं स्टेट बैंक से, तो आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि अब्बा के पास अब बड़ी दौलत होगी, अब मजा आ जाएगा। तो जब अब्बा ने इजहार किया कि बेटा वो जो 1935 में जमीन ली थी
तो थी 800 रुपए की, तो जो हमने क्लेम किया वो 800 रुपए का था। क्या कह रहे हैं आप? 35 से 47 में 12 साल बाद भी वो 800 ही रुपए क्लेम किए उन्होंने। यहाँ भी 800। मेरे वालिद थे सेटलमेंट कमिश्नर के यहाँ, वो डिफेंस ऑब्जर्वर थे, वो कहते हैं मैंने इतने कम 1% भी लोग नहीं होंगे जिन्होंने, जो इतने सादा और मासूम थे, मुझे तो वही याद आ रहा है जो उनके पास वहाँ था, जो वो था वो वही बता दिया उन्होंने, बिल्कुल वही बताया। और उनकी तादाद बहुत है जो कहते थे हम अपनी हवेलियाँ छोड़ कर आ गए और फलाना छोड़ कर आ गए और धमका। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, किताब मेरी आई थी। तो ये सारी चीज़ें जितनी, ये अब मेरे दूसरे कजन वजन जो थे ये वो बताए रहे बड़े, उनका शुमार होता था बड़े बड़े लोगों में, तो उस बात का मुझे उस वक्त दुख था, लेकिन अब बड़ा फख्र है। हाँ, अब होता है ना कि हाँ हम वो भी हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने सच बोला। एक दिन एक प्रोग्राम था यहाँ, और ये शऊर मुझे अब आया, 2 साल ओए होए बड़ी देर की मेहरबान आते आते हुए कि मेरे बाप पुलिस में, मैंने कभी नहीं कहा जिंदगी में नहीं पुलिस में होना, नहीं 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 इतना कॉम्प्लेक्स, ईमानदार रहना पुलिस में होते हुए, ईमानदार रहना बड़ी बात है। किसी से आप कहेंगे तो वो हंसेगा, 22 रुपए 800 रुपए। नहीं नहीं, उस वक्त मैं आपको बताऊँ 22 रुपए कम नहीं थे, लेकिन आप देखिए ना चीज़, ये मैं तो इस वक्त की बात कर रहा हूँ, पुलिस में होके ईमानदार रहना बड़ी बात है। वो क्या चीज थी जिसने रोक के रखा कि नहीं, लोग कहेंगे तू बहुत गरीब आदमी का बेटा है, ये वो, तो मुझे किसी ने साथ दिलाया इनके वालिद, लेकिन उनके वालिद की रेपुटेशन ये थी कि लोग कहते थे वो शख्स एक कप चाय किसी के यहाँ नहीं पीता, किसी की इस कदर ईमानदार वो आदमी की। मेरे वालिद जिसकी तारीफ कर दें कि पुलिस में उनकी डायरियों से मुझे मिला पापा की, तो मुझे सुहेल अहमद पर बड़ा फख्र हुआ, कैसे बाप का बेटा है ये शख्स। आज मुझे आप पर फख्र हो रहा है कि आपके आपके वालिद ने एक सीधा सीधा आके 800 रुपए क्लेम किए। अब फख्र होता है गुर्बत, ऐसा फखर क्या मैं तो मैं बता रहा हूँ आपको सारा कुछ, तो बारह ये सब कुछ होते हो, ये छोटी 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 चीज, असल में हम एक दूसरे के दिल में बजाय मजबूती पैदा करने के कॉम्प्लेक्सेस अपने बच्चों में पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनमें जो बच्चे बहुत हसास होते हैं वो फिर उसको किस तरह निकालते हैं, कहीं चले गए कोई चीज तोड़ दी, रिएक्ट करते हैं ना बच्चे, हैं उनका बस नहीं चल रहा होता। बचपन में जब मुझे कोई ऐसी वैसी बात करता तो वो आंसू आंसू लेके मैं दूसरे कमरे में जाके मैं मेज को मारता था या दरवाजे को मारता था, अपने हाथ से निकलता था। वो चीज़ें कुछ ज़्यादा होती गई तो मैं अपनी थिंकिंग अपनी सोच अपने हर वक्त कि वो हर सोच पे एक आह निकल जाती है, डूबते जाते हैं तारे, बैठता जाता है दिल, ये सारी चीजें ये वो सोच के पढ़ के देख के, बड़े बड़े लिखों से मुलाकात होगी, उनसे कुछ ले लिया, उनका कुछ चोरी कर लिया, इनका कुछ चोरी कर चोरी नहीं, चोरी नहीं सर, इंस्पिरेशन लेते हैं फिर आप सीखते हैं। नहीं नहीं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक अजीब सा एक वो टूटी फ्रूटी टाइप की चीज हो गया, तो मैंने कहा कि अब बचपन से ही रेडियो जाना शुरू कर दिया। अच्छा, अपने एक्टिंग किस, वो तो आवाज की दुनिया थी, रेडियो तो आवाज से ही बताना होता था सब कुछ। 2 साल जाके बैठा रहा, कितना मुश्किल काम था ना? की दुनिया में वो कभी बच्चा बैठा कभी जी अच्छा अच्छा कभी आया ठीक है, जब 1 साल के बाद फिर वो नानी अम्मा आ गई हमीदाबाद हमारी, फिर वो आपा नसरीन आ गई, उन्होंने कहानियाँ शुरू की, आपा नसरीन ये अरशद दानिश और यहाँ पे वो अरशे मुनीर थी जो आपके साथ फिल्म में भी होंगी जी, तो वो उन्होंने पेशावर में कहानियाँ सुनाई, तो मुझे हर इतवार को 5 रुपए मिलते
बहुत बड़ी रकम थी सर। उन्होंने 5 रुपए दिए रेडियो के, 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी सर। और मैं वो 5 रुपए लेके गया तो 1 रुपया मुझे मिलता था महीने खर्चा पॉकेट मनी। जी पॉकेट। अब वो एक दफा मेरा चालान भी हो गया था साइकिल का। अच्छा। मुझे मजिस्ट्रेट ने यूं देख मुझे देखा छोटा था, तुमने ये ऐसा करोगे? कितनी उम्र थी सर आपकी? अब्बा साथ में थे मेरे, 5 साल हो गई थी। तो मैं जी अच्छा तुम्हें जुर्माना करूंगा मैं आइंदा कभी ना करना। तो उसने मुझे 1 रुपया जुर्माना। तो वो 1 रुपया जो पॉकेट में था वो वहाँ चला गया? वहाँ चला गया। पहले कहा तो रेडियो पे ड्रामा करना कितना मुश्किल था, क्योंकि सब कुछ आवाज से बताना है। आप देखिए ना आपके कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रामा रिकॉर्ड करा। जी हिज मास्टर वाइज वो कुत्ते वाला जो वो पत्थर का वो शौक हुआ के अभी ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर है। आप सुनिए, अब आप खबरें सुनिए, ये सुनिए, वो ये सारी चीजें। एक दफा एक हमारी होती थी यहाँ रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। अच्छा। तोशी हम उन्हें कहते थे। तो वो भी बचपन से सब उनको देखते थे, वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। तो उनको मैंने देखा काम करते हुए। एक दिन मैं गया स्टूडियो में यूँ छोटा सा, और मैंने स्टूडियो का दरवाज़ा खोल दिया तो वहाँ देखा तोशी रो रही है और एक साहब कह रहे हैं नाचो, और वो रो रही है। और मैंने चीर मारी दरवाजा बंद किया और भागा मैं प्रोड्यूसर के, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने जल्दी चले। आपको पता है रुस्तम और सहराब वगैरह जो ड्रामे वो इसी तरह के, शोरिश कश्मीरी के और आगा हशर के ड्रामे इसी तरह के होते थे। बहुत लाउड ऐसे वफा शोर से ऐसे सितम फरेब, माना कि वो फरेब मगर तुझ से कम फरेब, वो चाह वो निभा तेरे दिल पे डल गई पहले तय आँख खुल। क्या बात है आशर, वो आवाज, वो आवाज, वो सारे। उसके बाद वो गौरव की लोगों जैसे जड़े बुखारी साहब थे तो लफ्ज में अपना क्या क्या नाम ले रही हैं आप। ये वो लोग थे अपने मोहम्मद अली साहब ये सारा रेडियो से आगा नासिर साहब थे। बिल्कुल हमारी वो जो हीरोइन थी जिसकी अभी 5-6 महीने क्या हुआ है, कमल, मेरे साथ पहले कमल नसीर पहली अनाउंसर थी। आप पहले ड्रामा तो वो मेरी हीरोइन भी थी, उनकी वालदा भी तो रेडियो मुनी हमीद जो थी। जी 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 रेडियो बड़ी आवाज है। मुनी हमीद को ले लीजिए आप, और पता नहीं किसको आप समझ लीजिए। हमारे पेशावर में होते थे खलील खान। हाँ ओहो, जब पेशावर टीवी शुरू हुआ है शेख शरीफ होते थे। या हमारे आगा तालिश पेशावर, आगा तालिश क्या अलाउद्दीन साहब, अहमद फराज साहब। अच्छा अहमद फराज को लोगों ने बहुत बाद में जाना, तो शायर की हैसियत से जाना, लोग बहुत कम लोगों को ये बात पता है। अब आज आप बता रहे हैं तो कि वो ड्रामा अहमद फराज साहब का मैंने खेल लिखा हुआ किया है, साहिल की रेत। अच्छा। उसमें वो मैंने रोल किया हुआ है। अहमद फराज साहब से मैंने 5 रुपए वसूल किए हुए हैं। अच्छा। अहमद फराज मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो कोहाट के थे, आप पेशावर के तो जाहिर है। एक दफा वो आए और ठहरे, मैं ठहरा हुआ था किसी होटल में वहाँ इस्लामाबाद रिकॉर्डिंग में गया था, तो 2-3 लोग आ गए। तो मैंने कहा मुझे, मैं तो समझ रहा था कि वो अहमद फराज साहब यहाँ कहाँ हैं। अरे क्या बात है, अरे ख्वाहिश रोती रहती है। तो उन्होंने मुझे यूं पकड़ा पीछे से। अच्छा। ये नहीं पता कौन है। अच्छा। कहता मेरे अंदर बारिश होती है। क्या कहता तू कहाँ कभी ये हो, मैं गालिब करने गया हूँ। अच्छा। तो आपने गालिब कितनी मरतबा किया? मैंने गालिब बहुत मरतबा स्टेज पे किया, और मैंने गालिब ऐसी जगह कर दिया। अच्छा। मुझे आपके ब्यूरोक्रेट्स ने करा है। हाँ वो तो गवर्नमेंट कॉलेज के तो सारे ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं, मुझे उसमें नुकसान हो गया था, यहाँ से पूरी टीम गई हुई थी। अच्छा। तो मुझे वो कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं तुम गालिब चाहते क्यों। मैंने कहा मुझे 2 शो आप शेखोपुरा में करवा दे। अच्छा। 2 शो कसूर में करवा दे। अच्छा। सियालकोट में 2 शो। आपके ख्याल इन शहरों में लोग उस वक्त जानते थे गालिब को? अरे
कौन नहीं जानता था, नहीं भी जाने तो वो गालिब, गालिब की गालिब सुना बहुत है। आपने नौटंकी कभी शादो का थिएटर किया? नहीं, मैंने नौटंकी की है, की नहीं है बल्कि देखी देखी है। अच्छा, क्योंकि उस जमाने में एक फिल्म थी विद्या, सुरैया और देवानंद, देवानंद की इंडियन फिल्म जी विद्या। तो जो नौटंकी होती वो एक चबूतरा होता है बहुत बड़ा, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं। तो वहाँ वो आर्टिस्ट आता है, बाजार लग जाता है, हीरो आता है, हीरोइन आती है, गाने होते हैं, हंसी मजाक होता है, और वो शुरू होता है और सुबह तक रहता है। आपको पता है नाटक मंडलियां जो आती थी पाकिस्तान बनने के 10-15 साल तक, तो लोग उसी में, लोग देहातों के लोग तो वही देखते थे। उसमें सबसे मशहूर थिएटर मैंने अपने इसमें जिक्र किया है, चूंकि मैंने थिएटर से शुरू किया अपना थीसिस, तो शादो का थिएटर बहुत मशहूर, बहुत मशहूर, बहुत मशहूर। और हमारे बड़े बड़े बाद में लोग जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जी और आर्टिस्ट वहीं से आए, बहुत मोहतरम लोग थिएटर से। फिर पंजाबी प्लेस भी किया आपने कोई? पंजाबी मैंने किए, टीवी पर किए, वही पी टी वी फिल्में किए। एक फिल्म मैंने बनाई थी पंजाबी, और वो भी एक ख्वाब था मेरा। हाँ। उस फिल्म का नाम था मंजी किथे डावा। अबे तो और मैं केड़े पासे जावा ते मंजी किथे डावा, मनोवर जरीफ ये मैंने लिखवाया था ख्वाजा परवेज। ओए होए, मैंने कहा ख्वाजा साहब ये एक रोल है, ये एक बूढ़ा आदमी है, उसके बच्चे बाहर हैं, फिर एक बेटा आता है, वो कहता है ये तो बूढ़ा हो गया है, उसने किया और वो बेचारा तो बूढ़ा कहता है मंजी किथे डावा, मैं केड़े पासे केड़े पासे जावा। पुत्र पे उनू पागल कहंदे, ओए होए इना तो सदके जावा, क्या बात, गलियां विच औलादा छड़के फिल्मा वेखण मावा, मैं केड़े पासे जावा। वो फिल्म कराची में उस पर लिखा गया, चारपाई कहां बिछा, और वो मुनव्वर जरीफ पीछे तस्वीर, मुनव्वर जरीफ और नाज सिनेमे में लगी थी। यहाँ पे नाज और वो सिनेमा थे, नाज और निशात आमने सामने दो सिनेमा थे। उस फिल्म ने यहाँ बहुत बिजनेस किया था सुना है। क्या ये बताइए, बचपन में आपको फिल्में देखने की इजाजत थी? बचपन में इस तरह इजाजत थी, अभी के मेरे जो चाचा थे, 250 फिल्में की हैं आपने? जी हां, तकरीबन मेरे चाचा थे उनका सिनेमा था। अच्छा, हां, तो मैं जो ही छोटा था सीढ़ियां चढ़ के चला गया, माँ जाके मशीन पे खड़ा हो गया, पीछे अंदर से वो फिल्म चल रही होती थी, तो दो मशीनें होती थी, तो 440 जो है 220 से उसमें वो एक इस तरह का एक गोल दायरा वो लगा होता था, रिकॉर्ड गोल दायरे लगाए जाते थे। जब एक रील खत्म होती थी, पहला गोल दायरा आया तो दूसरा का वो आर्क लैंप जला लेते थे, कड़क करके चेंज करते। तो ये सारा मैंने 3-3 शो चलाए अकेले, क्योंकि पेशावर में भी वो भी तो एक होता ना बचपन में, वो लोग देहातों में ये बहुत होता था कि वो 12 मन की धोबन देखो, और वो एक लगा होता था, वो छोटा सा वो दूरबीन की तरह का, मैंने देखी, वो देखी भी आपने? वो बहुत बड़ी अच्छा, बचपन में ही मैंने देखा था एक जुगन, जुगन अच्छा, जुगन खान का नाम था। अच्छा, और वो डाकू थे, और हम जहाँ रहते थे तो एक्चुअली डाकू थे जी, हम जहाँ रहते थे तो एक पुलिया थी, वहाँ उनकी मैंने सामने देखा कि लड़ाई हो रही थी, तो मैं छोटा सा उसके आँख निकाल के मैं देख रहा था उनको, एक्चुअल लड़ाई हो रही थी जी, और वो लड़ाई थी उस वक्त बंदूकों की तो नहीं है, अच्छा डंडे होते थे, लाठियां थी, लाठियां अच्छा, कुछ लगा होता था, और क्योंकि वो जुगन जो था उसके इलाके में कोई पर नहीं मार सकता, उस सुल्तान उस अच्छा उस जमाने के डाकू जो हैं उनकी बड़ी हैबत थी वैसे तो जी जी, ठीक है ना, तो लेकिन सुना बड़े साहिबे किरदार होते थे बहुत, यानी उसके सामने एक घर था, मुझे अब तक याद है, देखो कैसी चीजें याद है, उस जमाने में कौड़ियां चलती थी, अच्छा कौड़ियां वो उसको कहते हैं शायद, पैसे जो लेन देन, अच्छा, और वो छेद वाला पैसा, छेद वाला पैसा, और एक उसके साथ पीला सा पीतल का जी,
दमड़ी तो दमड़ी जाए पर चमड़ी ना जाए, मुहावरा भी है ना। उसके आगे जुग्गन खान का घर था, तो उस घर पे लिखा हुआ था अजहर मजहर जाहिर जहूर, वाह वाह, रहे तेरा करम या गफूर। क्या बात है, मुझे